देव सिंह गोगामेड़ी के गंभीर केस को कौन सुलझाएगा? क्या कोई अधिकारी ऐसा आएगा जो अपराधियों का पता लगाएगा? आखिर कौन है वो अधिकारी जो इस मामले की तह तक जाएगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर में हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करवा दिए हैं। गोगामेड़ी के मामले को लेकर पूरा राजस्थान बवाल की आग में झुलस रहा है। राजस्थान पुलिस ने मामले की जांच SIT को सौंप दी है और अब इस मामले को सुलझाने के लिए एक ऐसे ऑफिसर की एंट्री हुई है जिससे अच्छे अच्छे अपराधी कांपते हैं। जो अधिकारी राजस्थान के सिंघम के नाम से मशहूर है, नाम है ADG क्राइम दिनेश MN। ADG दिनेश छुट्टियों पर चल रहे थे, लेकिन जब राजस्थान में श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी केस हो गया तो फिर ADG क्राइम दिनेश MN को ही बुलाना पड़ा। अब दिनेश MN को ही इस गुत्थी को सुलझाना होगा, राजस्थान को शांत करवाना होगा, अपराधियों का पता लगाना होगा और उनके अंजाम तक उन्हें पहुंचाना भी होगा, नहीं तो ये बवाल और बढ़ सकता है। सुनिए करणी सेना के अध्यक्ष सूरज पालामो का क्या कहना है। काफी देर से हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जो दिन दहाड़े जो भी एक हॉस्पिटल के अंदर मेरा भाई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी उसकी बॉडी पड़ी हुई है, रखी हुई है। हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, प्रशासन हमारी सुनने को तैयार नहीं है, प्रशासन से गुहार कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ो, गिरफ्तार करो, कल से किसी को नहीं पकड़ा है। हमारे भाई का पोस्टमार्टम करने की जिद कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग पोस्टमार्टम वाला विषय तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो यहाँ से डेड बॉडी भी नहीं लेके जाने वाले। हम लोगों ने अपना भाई खोया है और हमारे भाई की निर्मम हत्या सरकार के पालतू पाले हुए लोगों ने की है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जब अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा था सरकार से, तो इन लोगों ने, इन नलायक अधिकारियों ने जो अपने आप को IPS कहते हैं, उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। दो दिन के लिए सुरक्षा आप देते हो और सुरक्षा देने के बाद आप सुरक्षा वापस ले लेते हो, क्या कारण है? क्या अशोक गहलोत के कहने से या किसी और के कहने से? राजेंद्र गुड़ा उस समय मंत्री थे सरकार में, इन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाई, इन्होंने अधिकारियों से बात करी, DGP से बात करी, क्या कारण रहा? क्या सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अपने प्राण से हाथ धोने पड़े? आज उसी के लिए न्याय मांगने के लिए हम लोग यहाँ हजारों की तादाद में बैठे, पूरा राजस्थान बंद है, पूरे देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन रुकेंगे नहीं, लगातार चालू रहेंगे। अभी राजस्थान के अंदर सरकार नहीं है, नई सरकार ने अभी शपथ नहीं ली है, तो गवर्नर के पास अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अशोक गहलोत अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री के पदभार को संभाले हुए, परंतु उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही, कारण कि वो स्वयं दोषी हैं, उनके अधिकारी दोषी हैं। 500 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी थी और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को पुलिस की चौकी की नाक के तले कोई गोली मार जाए और पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, ये निहायत ही बहुत बड़ा जुर्म है, निर्मम हत्या है। हम ये सब चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें राजभवन कूच करना पड़ा तो कूच करेंगे, हमारी कमेटी इस बारे में निर्णय ले रही है। हमें उनसे क्या बात करनी जिन्होंने हमारे नेता को, हमारे भाई को सुरक्षा नहीं दी, हम क्यों बात करें उनसे? वो दोषियों को पकड़े, गिरफ्तार करें और दें उनको सजा जो देनी है। पूरे राजस्थान के अंदर सफलतापूर्वक बंद है, शांतिपूर्वक तरीके से हमारे हजारों लाखों लोग राजस्थान के अंदर बंद का आह्वान किए हुए हैं, बंद सफलतापूर्वक चल रहा है। जयपुर पूरा बंद है, जोधपुर पूरा बंद है, उदयपुर बंद है, झुंझुनू सीकर बंद है, ये पूरा लक्ष्मणगढ़ बंद है, ये सारे के सारे जिलों में बंद का आह्वान है और वो चल रहा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। इसमें भी एक ट्विस्ट है, कोई और रोहित गोदारा इस मामले को लेकर संदिग्ध घेरे में आ गया है, जो खुद को एक छात्र बताकर इस सब से बहुत दूर बता रहा है। मैं रोहित गोदारा आम छात्र हूँ, अपनी पढ़ाई करता हूँ। कल जो राजस्थान में घटना घटित हुई उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे बिना मतलब ही बदनाम किया जा रहा है और मैं इन सब की वजह से परेशान हो चुका हूँ। पुलिस से आग्रह करता हूँ कि ये जो मेरे खिलाफ फेक न्यूज फैला रहे हैं इन पर कार्रवाई करें। लेकिन अब इससे निपटना कैसे है वो IPS अफसर दिनेश MN देखेंगे। कौन है दिनेश MN जिनके नाम का है इतना भौकाल? राजस्थान कैडर के 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिनेश वर्तमान में ADG क्राइम के पद पर तैनात है। मूलतः कर्नाटक से है दिनेश MN।
राजस्थान के सिंघम के नाम से जाने जाते हैं दिनेश एमएन। बाल की खाल निकालने के लिए मशहूर है आईपीएस अफसर एमएन। आईपीएस दिनेश को सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में 7 साल की जेल की सजा हुई थी। गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहे थे आईपीएस अफसर दिनेश एमएन। केस में बरी होने के बाद दिनेश एमएन ने सर्विस ज्वाइन की। सर्विस ज्वाइन करने के बाद आईपीएस दिनेश ने बड़ी एजेंसियां एसओजी और एसीबी में कई बड़े खुलासे किए। आईपीएस दिनेश एमएन ने ही राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का सफाया किया था। आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस अफसर दिनेश एमएन ने ही किया था। एंटी करप्शन में रहते हुए आईएएस आईपीएस और आईआरएस समेत कई बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा। खनन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक सिंघवी को 2.5 करोड़ रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। 12 अलवर कलेक्टर और दौसा के एसपी मनीष अग्रवाल समेत कई अधिकारियों को रिश्वत प्रकरण में दिनेश एमएन ने ही दबोचा। तो कुछ ऐसी छवि है तेज तर्रार अफसर दिनेश एमएन की। अब इन्हीं अधिकारी को जिम्मेदारी मिली है श्रीकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ओगामेड़ी के अपराधियों का पता लगाने की, उन्हें कानून की गिरफ्त में लाने की। क्योंकि गोगामेड़ी केस को लेकर पूरे राजस्थान में जैसे बवाल समझा हुआ है, हर तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर जेल में डालने की मांग की जा रही है। इस केस में कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। जल्द से जल्द एडीजी दिनेश एमएन से इस मामले की तह तक पहुंचने की अपेक्षा की जा रही है। वही इस मामले को संभाल सकते हैं, इसलिए उनकी छुट्टियां रद्द कर उन्हें इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बुलाया गया है। दिनेश एमएन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी हौसला नहीं हारा, हमेशा अपने इरादों को मजबूत रखा, सच्चाई की जीत में भरोसा रखा, वैसा करके दिखाया जैसा उन्होंने चाहा। नहीं तो सोचिए जिस आईपीएस अफसर ने खुद 7 साल जेल में बिताए हो, उस पर इतना भरोसा क्यों जताया जा रहा है। वैसे आप आईपीएस अफसर दिनेश एमएन के बारे में क्या जानते हैं? आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, ये जो दिनेश एमएन को राजधानी जयपुर में श्रीकरणी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह ओगामेड़ी के गंभीर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए चुना गया है, क्या ये सही फैसला है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।